मनुष्य जाति के लिए वरदान है ये बेर के पत्ते, कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो गलती से भी मत छोड़ना। दोस्तों, हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं जिन्हें प्रायः हम सभी लोग छोटा मोटा घास समझ करके उन्हें इग्नोर करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि इसका भला कौन सा फायदा हो सकता है, या फिर आज के समय में इनका प्रयोग कौन कौन से लोग करते हैं, क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए हम इन वनस्पतियों को घास फूस कचरा समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम इनको जला भी देते हैं या फिर इनके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जो वनस्पति देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा वनस्पति होता है जिसके ऊपर ढेर सारे कांटे लगे होते हैं। ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये पत्तियों के अंदर भर भर के गुण पाए जाते हैं। ये जो पत्ते हैं दोस्तों, आपके बढ़े हुए मोटापे को कम कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वनस्पति को पहचान लिया है, आप इसका नाम जानते हैं, तो कमेंट के जरिए आप इसका नाम हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वनस्पति होता है ना, हमारे देश भारत में गाँव में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गाँव के लोग इसके फल को बहुत चाव से खाते हैं। हो सकता है आपने भी इसके फल को खाया हो। क्या दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेर के पत्तियों के होने वाले कुछ गजब के फायदों के बारे में। अक्सर आपने बेर को खाया होगा, आप जानते ही हैं कि बेर खाने में कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन यकीन कीजिए इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तियों के भी कम फायदे नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको छोटा मोटा कहीं पर घाव हो गया है तो घाव को ठीक कर सकते हैं, बार बार पेशाब में जलन होता है तो पेशाब में जलन को मिटा सकते हैं, हाथों पैरों में जलन होता है तो हाथों पैरों के जलन को सही कर सकते हैं। छोटा मोटा अगर कहीं पर मान लीजिए घाव के साथ साथ कोई ऐसा बीमारी हो गया जैसे बालतोड़ हो गया है, तो आप बालतोड़ को ठीक कर सकते हैं। दांतों के दर्द हो, मसूड़ों की सूजन हो, मसूड़ों से बार बार खून आता हो, तो आप उसकी समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। तो बारी बारी से मैं आपको इसके सभी के सभी फायदे बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करें, आप जो है ना बेर के पत्तों को तोड़ करके अपने घर पर लेकर के आए। ध्यान रहे, इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों के आसपास ही ढेर सारे कांटे लगे होते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से तोड़ करके लेकर के आए। सबसे पहला फायदा है इसका दोस्तों, घाव में छोटा मोटा कहीं पर घाव हो जाए, हाथों में हो जाए, पैरों में हो जाए, मतलब शरीर के किसी भी अंग पर हो जाए, तो इसके पत्तों को आप जो है ना खरल में इमाम दस्ते में पीसिए, और पीसने के बाद जहाँ पर भी घाव हो गया है उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद इसको पीस करके आप इसका रस निकाल करके घाव पर लगा सकते हैं, या फिर इसको पीस करके ऐसे ही घाव पर लगा सकते हैं। मतलब कि आप जो है ना एक दिन में दो तीन बार करते हैं ना, तो दो से तीन दिन में ही आपकी जो घाव है ना बिल्कुल इसको ठीक करने का काम करता है। कई बार क्या होता है, हमारे आँखों के अंदर जो है ना गुहेरी लग जाती है। गुहेरी क्या होता है, एक तरह का जो है ना बीमारी होता है, इसमें क्या होता है हमारे आँखों से और देखने पर दर्द होता है, या फिर सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। तो बेर के पत्तियों को आप जो है ना पीस करके इसका रस निकाल करके और आँख के बाहरी हिस्से में इसको लगाना है, जहाँ पर आपको गुहेरी आ गई है या फिर आँखों के आसपास फुंसी आ गई है। इसका प्रयोग लगातार 102 बार करते हैं ना, 102 बार में ही मतलब आँखों की गुहेरी को सही कर देता है, और आप जो है ना आँखों से सही से देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बीमारी है दोस्तों, पेशाब में जलन होना। तो बेर के पत्तों का आप जो है ना रस निकाल करके गुनगुना पानी में मिला करके पीते हैं ना, तो पेशाब की जलन जो है आपकी मिट जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, इसके पत्तों को आप ले करके आए, इसको पीस करके इसका रस निकालें। रस निकालने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी हो जितना कि आप पी सकें मिला करके पीते हैं, तो पेशाब में होने वाले जलन से आपको राहत दिलाती है। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार पेशाब लगता है तभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बीमारी है दोस्तों, गले के खराश। कई बार क्या होता है, गले में खराश हो जाता है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, या फिर गले में जब खराश हो जाता है तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके पत्तियों का आप जो है ना काढ़ा बना करके और इसके पत्तों का आप लेकर के आए, इस तरह से तोड़ लें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर तोड़ करके दिखा रहा हूँ, इसे आप इसके पत्तों को तोड़ लें और पानी के अंदर इसको डाल करके उबाल करके जो है ना इसका गरारा करते हैं, तो गले का खराश है ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर मिला करके गरारा कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को बाल तोड़ की समस्या हो गई है ना, तो बाल तोड़ पर क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके ना
अब बाल तोड़ पर लगाते हैं तो बाल तोड़ जो है ना 2 से 3 बार में ही ठीक हो जाता है। तो पेट में चाहे चर्बी जमा हो, मोटापा से परेशान है, तो कैसे इसका प्रयोग करना है मैं आपको आगे इसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, इसके पत्तों को तोड़ करके लेकर के आए, उसके बाद आप इसके पत्तों को ना साफ पानी से कुछ इस तरह से धो लें, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको धो करके दिखा रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, हमारे हाथों और पैरों में जलन होने लगता है, तो इसका प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी आपसे आगे देने वाला हूँ। अगर किसी के हाथों पैरों में बार बार जलन होता है तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके पत्तों को इस तरह से इमाम दस्ते में डाल करके अच्छे से कूटें, जिस तरह से मैं यहाँ पर कूट रहा हूँ। उसके पहले क्या करें, आप इसके पत्तों को वास करके ही इसका इस्तेमाल करें, तभी आपको पूरा पूरा फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो इसके पत्तों को जो है आप इस तरह से कूटें, अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पर मतलब पीस सकते हैं। और पीसने के बाद अगर आपके हाथ पैरों में जलन होता है, किसी भी हाथ पैरों में जलन हो, तलों पर जलन होता है, तो हाथों पैरों के तलों पर इसको लगाते हैं ना, इसके रस को लगाते हैं, कपड़े से बांध लेते हैं, या फिर इसके पत्तियों का जो पीस करके आपने तैयार किया हुआ इसी को डायरेक्ट लगाते हैं हाथों और पैरों में, तो हाथों और पैरों में होने वाले जलन से आपको निजात मिल जाती है। इसके पत्तियों का आप जो है ना एक और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके पत्तों को जैसे कूट रहा हूँ वैसे आप इसको कूट लें और 1 गिलास पानी में डाल करके रखें। रात में ऐसा करें और सुबह छान करके इसके पत्तों को पीते हैं ना, तो मोटापा से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। मतलब कि आपका जो चर्बी बढ़ा हुआ है शरीर का उससे कम कर देता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ना आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे कि आपका मोटापा कम होने लगता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो आप इसके पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में आप इसको खान करके कूट करके पानी के अंदर डाल करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सुबह सुबह आप इसको छान करके इसको प्रयोग में ला सकते हैं, इससे आपका बढ़ा हुआ वजन कम होता है। दांतों में दर्द हो, मसूड़ों की सूजन की समस्या हो, तो आप क्या करें, आप इसके पत्तों को ना तोड़ करके लेकर के आए, साफ पानी से धो करके इसे काढ़ा बना करके 1 गिलास पानी के अंदर आप जो है ना 1/2 से 1 मुट्ठी इसके पत्तों को डाल करके इसका काढ़ा बना करके और गरारा करते हैं ना, तो इससे भी दांतों का दर्द हो, सूजन की समस्या हो, बिल्कुल मिट जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कूट करके भी आप इसका काढ़ा बना सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा काढ़ा बना करके गुल्ला गरारा करते हैं तो इससे भी आपके दांतों में होने वाले जितने भी समस्याएं हैं, चाहे आपके दांतों से खून निकलता हो, मसूड़ों की सूजन की समस्या हो, दांतों में दर्द होता हो, बिल्कुल यह उसको ठीक करेगा। तो आप इसका प्रयोग, जितने भी रोग हमने आपसे बताए उस रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत फायदा करता है। तो आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।